आर्मेनिया अज़रबैजान के बीच जो भीषण युद्ध बीते एक महीने से चल रहा है, इसको लेकर बड़ी खबर है। दोनों के बीच आखिरकार सीजफायर हो गया है। अमेरिका के दखल के बाद यह संभव हो पाया है। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले भी दो बार सीजफायर हुआ था, लेकिन 5 मिनट और 4 मिनट सिर्फ इतनी देर तक ये लागू रह पाया था। सुबह 8 बजे से दोनों देशों के बीच सीजफायर लागू हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीजफायर कराया है, तो तीसरी बार दोनों देशों के बीच सीजफायर, तो बड़ी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार आर्मेनिया और अज़रबैजान से साफ तौर पर कहा कि अब वो इस युद्ध को पूरी तरह से खत्म करें। हर दिन एक दूसरे पर गोले बरसा रहे और मिसाइल दाग रहे आर्मेनिया अज़रबैजान के ऊपर, अब युद्ध खत्म करने का दबाव बढ़ रहा है और इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सामने आए। ट्रंप ने कहा है आर्मेनिया और अज़रबैजान अब युद्ध बंद करें। ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सहमति करवाने की बात कही है। ट्रंप को भरोसा है कि उनकी बात से आर्मेनिया अज़रबैजान मान जाएंगे। दूसरी तरफ आर्मेनिया और अज़रबैजान के विदेश मंत्री की मुलाकात होने वाली। जेनेवा में आर्मेनिया और अज़रबैजान के विदेश मंत्री मिलेंगे। 29 तारीख को दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे। हालांकि इससे पहले भी दो बार दोनों देशों के बीच सीज फायर हो चुका है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।